हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में नहीं हूँ। जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो मैं किसी खाने की वीडियो नहीं शूट कर रही हूँ। मैंने दोपहर में वीडियो शूट कर ली थी। मैंने शाम के लिए टाइम निकाला था कि मैं आज ये वीडियो शूट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो शूट करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और ये बिहार का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर मेरे मुँह से कोई शब्द गलत निकल जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी ऐसा ना निकले जो किसी को बुरा लगे या मुझे कोई कमेंट, गलत कमेंट करे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से सॉरी बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूँगी मालती चौहान और विष्णुराज के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी फील्ड अलग है थोड़ी सी। मैं कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ और वो लोग एक ब्लॉगर हैं, डांस वांस करते हैं। तो मेरी फील्ड अलग है, लेकिन मैं उनकी वीडियोस देखती थी। इसलिए जो उनका ये कांड हुआ, जो उनके घर में या मालती चौहान का जो कांड हुआ, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रही हूँ जो मेरे मन में आया थोड़ा सा। उनकी वीडियोस मैं देखती थी जब उन्होंने किसी अर्जुन नाम के लड़के से शादी की थी। मैं वो भी वीडियो देखी थी उनकी, और जब वो चली गई थी वो भी वीडियो मैंने देखा था, सब कुछ देखा था। और पहले से मैं वीडियो देखती चली आ रही हूँ उनकी, लेकिन बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं उनकी वीडियो नहीं देख पाई। जो ये कांड हुआ उस समय मैं वीडियो उनकी नहीं देख पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरी बेटी के पास फ़ोन था तो वो वीडियो देख रही थी। तो उन्होंने देखा कि मम्मी इनकी वीडियोज़ देखती हैं, क्योंकि जब हम वीडियोज़ देखते थे तो अपने बच्चों को भी कभी कभी कहते थे, देखो बेटा ये वीडियो, ये देखो, मतलब हंसी मजाक की भी वीडियो बनाती थी। तो मेरी बेटी ने दिखाया कि मम्मी ये देखो, अभी उस दिन आप इनकी वीडियोस देख रही थी और ये तो इनको कुछ हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, इस दुनिया में नहीं रही। मैं एकदम चौंक गई और एकदम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो इनकी वीडियो देख रहे थे, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, हंस रही थी, सब कुछ, शादी भी हुई उस समय भी, ये काफ़ी मतलब खुश थी। और अचानक ऐसा क्या हो गया जो उस बीच में मैं वीडियो नहीं देख पाई, तो उनकी सिचुएशन नहीं समझ पाई थी कि बीच में हुआ क्या। और फिर मैंने क्या किया, अपनी बेटी का ही फ़ोन लेके मैंने सारे वीडियोस उनके देखे और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की हुई कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, इन तीनों लोगों की गलती की सज़ा आज उस मासूम बच्चे को मिली जो बेचारा अभी लड़खड़ाते हुए पैरों से चल रहा है, लड़खड़ाती हुई जवान से वो मम्मी पापा बोलना सीखा है, जिसने उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, उसका क्या कसूर था। फ्रेंड्स, कितने जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे ऊपर ये बीत चुका है, मेरी भी मम्मी बहुत, मैं शायद इतनी ही बड़ी होंगी जितना बड़ा युवराज है, उतनी बड़ी रही होंगी तब मेरी मम्मी चल बसी थी। तो मेरे मम्मी का साया मेरे सर से उठ चुका था और मेरा पालन पोषण मेरी दादी ने किया था। तो मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। तो ऐसा लगता है जिसके माँ नहीं होती है, अब उसका तो माँ भी गई और बाप भी गया, माँ उस इस दुनिया से चली गई और पिताजी जेल चले गए। अब बचा कौन? ददिहाल में जो हैं, मैंने देखा वीडियो में कि बच्चे को नाना ले गए हैं, उनकी मासी हैं, मासी भी शायद शादीशुदा हैं। अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये तो अब वही जाने। हम लोग भी जानते हैं, कहते नहीं, जिसके माँ नहीं होती उसका पालन पोषण कैसे होता है, ये तो हम खुद समझ सकते हैं और जिनके नहीं हैं वो भी समझ सकते हैं। भगवान ना करे किसी मासूम बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठे। तो फ्रेंड्स, मेरे मन में एक मतलब बात आई, तो मैं
क्योंकि मैं उनकी वीडियोस देखती थी, तो मेरे मन में कुछ आया कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं। बाकी मैं मेरा फील्ड नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूं। और समझ में नहीं आ रहा है कि अब उस बच्चे का क्या होगा, कैसे उसका पालन पोषण कैसे होगा, कौन करेगा। कहते नहीं है कि करेगा तो कोई आ ही, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अभी तो उसके नाना जिंदा हैं, मासी हैं, ज़्यादातर तो नानी नाना करते हैं पालन पोषण, या फिर मासी हुई वो करती हैं, तो या फिर दादी लोग करती हैं। मेरी तो दादी ने किया था और बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस बच्चे के बारे में कि इन मालती चौहान, विष्णुराज या अर्जुन, इन तीनों लोगों की सज़ा एक मासूम बच्चे को मिली जो नहीं मिलना चाहिए था, उसका क्या कसूर था। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, इतना गलत हुआ, इन तीनों लोगों ने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता है किसी को कुछ कहने का, इसलिए मैं किसी को कुछ कहूँगी नहीं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो वो मासूम बच्चे को जो सज़ा मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए थी फ्रेंड्स, बहुत गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा आगे, कहते नहीं हैं कि आगे कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं फ्रेंड्स बोलने के लिए। मैं बस उस छोटे बच्चे के लिए यही प्रार्थना करूंगी, उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। कहते हैं कि जिसका माँ बाप नहीं है उसका कैसा उज्जवल भविष्य, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो भी उनका पालन पोषण करें, नाना नानी या मासी जो भी करें, अच्छे से करें और उसे पढ़ा लिखा के आगे कुछ बनाने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छा है। और आप सभी लोग भी दुआ करना उस बच्चे के लिए, प्रार्थना करना कि उसे कोई तकलीफ़ ना होने पाए। और अभी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी क्योंकि वो अपनी मम्मी को ढूंढेगा, जगह जगह ढूंढेगा, मम्मी को ढूंढेगा, पापा को ढूंढेगा, नहीं मिलेंगे तो वो ही है, मासी हैं, समझा बुझा के खिलाएंगी, पिलाएंगी, सुलाएंगी, सब कुछ करेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, जो मैंने आप लोगों से कह दिया, मुझसे मतलब नहीं रहा जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, उनकी सारी वीडियोस देखी। और फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहती थी जो मैं आप लोगों से कह दिया। और अगर मेरे से कुछ भी गलत शब्द निकले हों तो उसके लिए मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं वैसे किसी के पक्ष के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बस मैं उस मासूम बच्चे के बारे में बोलना चाहती थी जो मैंने बोल दिया। और मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान लगा के सुना, अच्छे से सुना, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों से। और फ्रेंड्स, बस यहीं तक का मेरा वीडियो था, मैं यही कहना चाहती थी, बस मैंने कह दिया। और फिर मिलेंगे कल अपने किचन में, अपनी वीडियो के साथ, अपनी कुकिंग की वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।